पिलर में आईटीआई में, आज का जो हमारा क्लास है, जैसे आईटीआई में एडमिशन करने के बाद जैसे आपको पहला क्लास होता है सेफ्टी के बारे में, कि सेफ्टी आपको इंपॉर्टेंट की हुआ, कौन कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए काम करते समय, काम करने के जगह पर, उस क्लास के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी देंगे कि सेफ्टी क्या होता है और कितने प्रकार के सेफ्टी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक का हेडिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन इन इन द वर्क प्लेस, मतलब जो जहाँ पर आप काम करते हो तो उस जगह पर सेफ्टी और प्रिकॉशन का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसे जो सेफ्टी का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जनरली दिया है कि जनरल एक्सीडेंट डू नॉट हैपन, मतलब जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, जिससे बचने के लिए जो सावधानियाँ ली जाती है उसे कहा जाता है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। तो इसी के बारे में पूरे हम डिटेल में जानकारी लेंगे। जैसे यहाँ पर शॉर्टकट में जो मैंने अभी बताया तो उसी यही है कि जहाँ पर आप जनरली आप काम करते हो, मतलब आप आईटीआई में काम कर रहे हो या फिर आईटीआई होने के बाद जब आप इंडस्ट्री में जाओगे वहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, तो उस जगह पर सेफ्टी कौन कौन सा होता है और प्रिकॉशन क्या क्या करना है, इन सब के बारे में पूरी हमारी आज की पहली क्लास है। जो भी ट्रेड है हर एक ट्रेड का पहला कॉमन क्लास होता है यही, तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम रेगुलर भी क्लास करवाएंगे। तो जैसे मैंने पहले बता दिया, उसके बाद सेफ्टी इन अ वर्कशॉप कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, मतलब जो हमारा सेफ्टी होता है सेफ्टी को तीन भागों में डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें सबसे पहला है जनरल सेफ्टी, दूसरा पर्सनल सेफ्टी और तीसरा है मशीन सेफ्टी। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जनरल सेफ्टी क्या होता है। जनरल सेफ्टी मतलब जैसे आप वर्कशॉप में एंटर करते हो, वर्कशॉप में एंटर करने के बाद वर्कशॉप में कौन कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए, उसके बारे में सबसे पहला पॉइंट है हमारा जनरल सेफ्टी। तो सबसे पहला पॉइंट है कीप द फ्लोर एंड गैंगवेज क्लीन एंड क्लियर, मतलब फ्लोर और गैंगवे को साफ और खाली रखें। मतलब गैंगवे क्या होता है कि जब आप वर्कशॉप में एंटर करते हो तो आप व्हाइट कलर की और येलो कलर की लाइनिंग होती है कि यहाँ से आपको वर्कशॉप के अंदर जाना है, इसके बाद कौन से ट्रेड में जाना है, कौन से सेक्शन में जाना है, तो वहाँ पर नॉर्मली ज़्यादातर येलो कलर के गैंगवे होते हैं। तो गैंगवे आपका पूरा पूरा पूरी क्लीन और क्लियर होना चाहिए, और जो आपका जो शॉप फ्लोर होता है, मतलब जो जहाँ पर आप चलने वाले हो वो जगह भी पूरा क्लीन होना चाहिए। हमारा जनरल सेफ्टी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जनरल सेफ्टी का पहला पॉइंट था फ्लोर और गैंगवे को साफ और खाली रखें। सेकंड पॉइंट है कार्यशाला में ध्यान से चले और दौड़े नहीं, मतलब जब आप वर्कशॉप में चल रहे हैं तो उस समय ध्यान में रखें जब आसपास, क्योंकि जब आप नॉर्मली आईटीआई में हो तो आईटीआई में उतना ज़्यादा मशीनरीज नहीं दिखता, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो पूरे मशीनरीज दिखाई देते हैं, उस समय आपको थोड़ा ध्यान से चलना होता है, क्योंकि जहाँ कहीं से फोर्क्लिफ्ट के गाड़ी वगैरह आते रहते तो इसलिए ध्यान से चलना होता है, और वर्कशॉप के अंदर दौड़ना नहीं है जिसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद डोंट लीव द मशीन विच इज इन मोशन, मतलब चलते हुए मशीन को कभी भी ना छोड़े। मतलब अगर मान लीजिए किसी मशीन के ऊपर आप वर्क कर रहे हो और मशीन को ऑटो फीड में आपने रख दिया है, तो उस समय उस ऐसे ऑटो फीड में छोड़ के आप मशीन से दूर ना जाए। चौथा पॉइंट है डोंट टच और हैंडल एनी इक्विपमेंट मशीन अनलेस ऑथोराइज टू डू सो, मतलब किसी भी उपकरण मशीन को छूने या इस्तेमाल करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपको ऐसा करने की अनुमति है या नहीं। मतलब नॉर्मली क्या है कि जो जनरल सेफ्टी है, जिस मशीन अगर आप नए हो तो जिस मशीन के बारे में आपको पता नहीं तो उसमें हाथ नहीं लगाना है, या फिर आपको अगर परमिशन नहीं है तो उसे भी उससे कुछ छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद का पॉइंट है डोंट वॉक अंडर सस्पेंड लोड, मतलब जहाँ से जो सामान वगैरह लिया जाता है, मतलब हैवी लोड, जहाँ से जैसे क्रेन चलते ऊपर ओवरहेडेड क्रेन, तो उसके नीचे से आपको चलना नहीं होता है। उसके बाद यूज द करेक्ट टूल्स फॉर द जॉब, मतलब जॉब को करने के लिए प्रॉपर टूल्स का ही यूज करें, जो ऑपरेशन के लिए जिस टूल की हमें आवश्यकता है उस टूल का ही प्रॉपरली यूज करें। उसके बाद कीप द टूल्स एंड देयर प्रॉपर प्लेस, मतलब उपकरणों को उनके सही स्थान पर रखें। सही स्थान पर मतलब किस तरह से कि काम होने के बाद आपको कोई कहीं पे भी कौन से भी सामान रखना नहीं है, और काम होने के बाद कभी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और कटिंग टूल्स एक साथ में रखना नहीं होता, यही पॉइंट था ये वाला। उसके बाद गिरा हुआ तेल तुरंत साफ करें, मतलब मान लीजिए काम करते समय अगर कोई कोई भी मशीन से अगर कुछ ऑयल वगैरह अगर बह रहा है तो उस समय आपको क्या करना है, तुरंत उसे क्लीन करना है, ताकि अगर कोई नया इंसान आता है तो उसके ऊपर पैर रखने के बाद वो स्लिप होके ना गिरे, इसलिए तुरंत अगर आपको दिखाई देता है कि ऑयल गिरा हुआ है तो उसे तुरंत साफ कर लेना है। उसके बाद कभी भी संपीड़ित हवा को अपने या सहकर्मी पर ना मारे, मतलब जो कंप्रेस्ड एयर का जो होता है कंपनी के अंदर क्लीन करने के लिए, उसे डायरेक्टली आपको अपने ऊपर नहीं रखना, या फिर अपने किसी जो दोस्त वगैरह हो तो उसके ऊपर डायरेक्टली
नहीं डालना है। उसके बाद इंश्योर एडॉप्टेड लाइट इन द वर्क प्लेस, मतलब कार्यशाला में प्राप्त रोशनी सुनिश्चित करें। मतलब वर्कशॉप भी इस तरह से बनाया जाता है कि जो नेचुरल हमारा जो रोशनी होता है वो प्रॉपरली आपको दिखाई दे, क्योंकि दिन में भी आपको लाइट लगाने की आवश्यकता ना हो। तो ध्यान में ये बहुत जगह पर आपने देखे होंगे कि जो वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप का आधा छत मतलब आज जो दीवार होता है आधा होता है, बाकी का खुला होता है, या फिर कांच वगैरह लगे होते हैं, या फिर जो हमारा ऊपर में लगे होता है टेर, वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो ऐसे वाले कुछ लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि नेचुरली हमें जो रोशनी मिलती है डायरेक्टली हमें दिखाई देता है। ये था हमारा जनरल पॉइंट। उसके बाद का सेकंड वाला है पर्सनल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी सबसे पहला, जैसे तीन प्रकार के सेफ्टी है, जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। तो जनरल सेफ्टी हमारा हो गया, उसके बाद पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी में सबसे पहला, पर्सनल मतलब क्या होता है कि खुद की सेफ्टी। जब आप काम करते वक्त आप खुद सेफ रहोगे तो ही आप काम कर पाओगे। अगर आप काम करते समय आपको कुछ हो जाता है तो आप उसमें आगे आप काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल सेफ्टी। खुद को जितना सेफ रखोगे आप उतना उतना ही अच्छे से आप काम कर पाओगे। तो इसके लिए जो हमारा पर्सनल सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी में जो पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, एक पीस ओवरऑल या बॉयलर सूट पहने। मतलब जो वर्कशॉप में काम करते हैं उसमें ड्रेस दिया जाता है वन पीस वाला, वन पीस ओवरऑल या बॉयलर सूट पहने। मतलब कभी भी काम करते समय जो आप कपड़े पहनोगे उसमें काम करते समय उससे कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इस तरीके के कपड़े पहनकर आपको काम करना है। उसके बाद सेफ्टी जूते या बूट्स पहने। मतलब नॉर्मली तो वर्कशॉप में या फिर इंडस्ट्री में सेफ्टी शूज का ही यूज किया जाता है, उसी का ही यूज करना, क्योंकि सेफ्टी शूज में क्या होता है कि हमारे जो पैर होते हैं, पैर या फिर उंगली, उनके सेफ के लिए वो सेफ्टी शूज का अलग से बनाया जाता है। उसमें लोहे का प्लेट भी लगा होता है, तो इसलिए सेफ्टी शूज का ही उपयोग करें। उसके बाद डोंट रिमूव गार्ड व्हेन द मशीन इज मोशन। मतलब मशीन अगर चलती रहती है तो उस समय आपको कोई गार्ड को निकालना नहीं है। उसके बाद डोंट यूज क्रैक्ट और चिप टूल्स। मतलब दरार या चुके हुए उपकरण का उपयोग ना करें। मान लीजिए कि अगर कोई भी टूल्स आप यूज करो उसमें अगर पहले से क्रैक होके है तो उस समय आपको वो वाले टूल्स यूज नहीं करने, क्योंकि काम करते समय वो टूट के आपको लग सकता है। उसके बाद मशीन चालू करने से पहले सुनिश्चित करें कि कार्य पीस मजबूती से जड़ा हुआ हो। मतलब जो जिस मान लीजिए किसी मशीन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो जिस मशीन के ऊपर काम कर रहे उसमें आपको जॉब बनाना है, तो मशीन को ऑन करने के पहले एक बार 100% आप एक बार चेक कर ले कि जो आपने जॉब सेट किया हो प्रॉपरली सेट हुआ है या नहीं। मतलब जिसमें आपको टाइट करके बांधा है वो प्रॉपरली बंधा है या नहीं। उसके बाद कभी भी मशीन पर झुककर ना बैठे। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी कभी भी क्या होता है कि हम किसी एक जगह पर खड़े होते हैं तो किसी अगर साइड में कुछ झाड़ या फिर जो दीवार वगैरह होते हैं उसमें हम एक कंधा कंधा टिका के खड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपको मशीन के ऊपर बिल्कुल भी करना नहीं है। उसके बाद का पॉइंट है, जब तक कार्य क्षेत्र साफ ना हो मशीन चालू ना करें। मतलब जब जिस जगह पर आप कार्य मतलब काम करने वाले हो तो उस जगह की पूरी पहले चेक कर ले कि प्रॉपरली क्लीनिंग है या नहीं, क्योंकि जब तक आप कोई भी जगह पर आप काम करने के लिए जाते हो तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कि वो जगह साफ होना चाहिए। काम अगर आपको अगर जाने के बाद आपको दिखे कि पूरा कचरा हुआ ओके है तो उस समय काम करने का इच्छा नहीं होती, या फिर काम करते समय अगर ऑयल वगैरह गिरा हो तो उसमें भी ज्यादा स्लिपेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए काम करते समय जहाँ पर आप काम करो वो जगह क्लीन है या नहीं ये चेक कर ले। उसके बाद नेवर टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ वेट हैंड। मतलब गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को छूने की कोशिश ना करें। मतलब अगर मान लीजिए अगर आपके हाथ वगैरह गीले हैं तो उस समय कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आप छूने की कोशिश ना करें, इसमें आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और शांत रहें। मतलब जिस जिस मशीन के ऊपर काम करें या फिर जो भी जॉब आप कर रहे हो तो उसके ऊपर प्रॉपरली आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि आपको काम करते हुए आप दूसरे चीज के बारे में सोचते रहे, क्योंकि इसमें आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो इसलिए कभी भी ध्यान में रखे, काम करते समय अपना ध्यान पूरा जॉब के ऊपर ही होना चाहिए। जो आपका 8 घंटे का ड्यूटी है, कंटिन्यू आप ड्यूटी पे जाने के बाद जो आपको काम मिलता है उसके ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए और अपना माइंड को शांत रखिए। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल सेफ्टी का, नेवर ट्राई टू स्टॉप अ रनिंग मशीन विथ योर हैंड। मतलब कभी भी चलती मशीन को अपने हाथों से रोकने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, इसमें आपकी खुद की भलाई है। अगर चलती मशीन को आप हाथ से रोकने जाओगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, इसलिए कभी भी चलती हुई मशीन को रोकने की कोशिश ना करें। ये था हमारा सेकंड वाला पॉइंट। सेफ्टी के 3 भाग में से 2 भाग हो गए हमारा जनरल सेफ्टी
सेफ्टी, उसके बाद पर्सनल सेफ्टी, और लास्ट में हमारा है मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी में मशीन के ऊपर काम करते समय आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर कुछ गलत हो तो तुरंत मशीन को बंद कर दे। मतलब मशीन के ऊपर काम करते समय अगर आपको लगे कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कोई पार्ट्स या फिर जो भी मशीन के कोई भी पार्ट्स, नट बोल्ट या फिर कुछ भी, अगर प्रॉपर आपको कुछ उसमें डाउट हो रहा है तो उस समय मशीन को डायरेक्टली बंद करके उसके बाद उसकी चेकिंग करें। अगर फिर आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए फिर ही उसके बाद ही आप मशीन को ऑन करें। उसके बाद कीप द मशीन क्लीन, मतलब मशीन को कंटिन्यू साफ रखें, क्योंकि जब तक आप कोई भी काम की आप जब तक इज्जत नहीं करोगे तब तक उस काम में काम करने की उसमें मजा नहीं आता। इसलिए जब आप ड्यूटी में जाते हो तो मशीन को प्रॉपरली क्लीन रखें। उसके बाद रिप्लेस एनी वर्म आउट द आउट और डैमेज एक्सेसरीज होल्डिंग डिवाइसेस नट बोल्ट ईटीसी, मतलब किसी भी पुराने या टूटे हुए उपकरण, होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट आदि को जल्दी से बदले। मतलब टूटे हुए चीजों का जुगाड़ लगाकर हमें काम नहीं करना है प्रॉपरली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मशीन के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो कुछ पार्ट टूट जाते हैं तो आपको लगता है कि हमें टारगेट पूरा करना है, तो उस समय कुछ जुगाड़ करके हम काम कर लेते हैं तो कभी कभी चल जाता है, लेकिन ज्यादा मेजर प्रॉब्लम रहा तो उस समय आपको काम नहीं करना है और उस समय उस चीज को बदलने की कोशिश करें। और उसके बाद क्या पॉइंट है, मशीन चलाने की कोशिश ना करें जब तक आपको इसका सही तरीके से संचालन करना ना आए। मतलब ऐसे मशीन को चलाने की कोशिश ना करें जिसके बारे में आपको पूरा प्रॉपरली जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी आपको है, मशीन को बिल्कुल भी नहीं है कि आप कौन है क्या नहीं। तो मशीन अगर आपको प्रॉपरली जानकारी नहीं तो उस समय बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के। तो जिस मशीन के बारे में आपको पता नहीं है उस मशीन के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है, जब तक पावर बंद ना हो तब तक टूल या वर्कपीस को एडजस्ट ना करें। मतलब मान लीजिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि जॉब को हम करते समय कभी कभी या कटिंग टूल्स वगैरह को हमें एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है, तो उस समय क्या करना है, मशीन को पहले सबसे पहले बंद कर लेना, उसके बाद ही हमें जो भी काम हमें करना है उस समय करना है। सबसे पहले मशीन को बंद करके बाकी जो भी काम है उसके बाद ही करना है, चलती मशीन के ऊपर कुछ भी करना नहीं है। उसके बाद स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, मतलब स्पीड को बदलने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, मशीन को बंद करना है। जैसे जिस तरीके से हम कोई भी टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर को ड्राइव करते हैं तो गियर चेंज करने से पहले हम जैसे क्लच को दबाते हैं तो मशीन में क्लच नहीं होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, मशीन को बंद करने के बाद जो हमारा चक वगैरह होता है उसे रुकने देना है, उसके बाद ही आपको मशीन के गियर शिफ्ट करना है। उसके बाद डिसएंगेज द ऑटोमेटिक फीड बिफोर स्विच ऑफ, मतलब मशीन को जब आप छोड़ के जा रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं तो उससे उसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑटो फीड अगर हमने लगा के रखे तो ऑटो फीड को सबसे पहले डिसएंगेज करना है, उसके बाद ही मशीन को ऑफ करना है। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है, चेक द ऑयल लेवल बिफोर स्टार्टिंग द मशीन, मतलब मशीन को चालू करने से पहले ऑयल लेवल को चेक कर ले। जिस तरीके से आपका टू व्हीलर फोर व्हीलर काम करता है ऑयल के ऊपर, उस तरीके से मशीन भी काम करता है हमारा, तो मशीन के ऊपर वर्क करने से पहले एक बार ऑयल लेवल भी चेक कर ले। उसके बाद नेवर स्टार्ट अ मशीन अनलेस ऑल द सेफ्टी गार्ड आर इन पोजिशन, मतलब मशीन को कभी भी ना चालू करें जब तक सभी सुरक्षा गार्ड अपनी जगह पर ना हो। मतलब मान लीजिए किसी मशीन के ऊपर आप काम करें तो हर मशीन के ऊपर सेफ्टी गार्ड लगे होते हैं, अगर कोई सेफ्टी गार्ड लगा नहीं है तो उस समय आपको मशीन को ऑन करना नहीं है या फिर उसके ऊपर काम करना नहीं है। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है, टेक मेजरमेंट्स ओनली आफ्टर स्टॉपिंग द मशीन, मतलब मशीन के ऊपर जिस जॉब को आप बना रहे हो उस जॉब की अगर आपको मेजरमेंट लेना है तो मशीन को बंद करने के बाद और मशीन रुकने के बाद ही आपको जॉब का डायमेंशन लेना है, चलती मशीन के ऊपर कोई भी डायमेंशन को लेना नहीं है। और लास्ट वाला पॉइंट जो हमारा है, यूज वुडन प्लैंक्स ओवर द बेड व्हाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग हैवी जॉब्स, मतलब अगर हमें कुछ जो है लोड और अनलोड करना है बहुत वजन वाले वस्तु का, तो उस समय आपको मशीन के ऊपर आपको लकड़ी का पट्टा रखना है, मतलब जिससे आप क्या होता है कि जो आपका जो मशीन का पार्ट्स होता है उसमें कुछ डैमेज वगैरह होने के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए कभी भी जो हमारे हेवी लोड वाले वस्तु होते हैं उसे रखने के या फिर निकालते समय नीचे कभी भी लकड़ी का पट्टा रखा जाता है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा क्लास था, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन इन वर्क प्लेस, काम करते समय सेफ्टी और प्रिकॉशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमने पूरे डिटेल जानकारी दिया है। जो हमारा पहला क्लास था आईटीआई एडमिशन होने के बाद पहला क्लास जो होता है, इसके पहले का एक क्लास जो और भी होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म, इसका भी हम अलग से क्लास बनाएंगे।
तो ये सबसे पहला क्लास आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है उसका सबसे पहला क्लास था। और इसी तरीके से हम रेगुलर क्लास भी करवाएंगे, टर्नर फिटर का कंटिन्यू रेगुलर क्लास करवाएंगे। इसी तरह की रेगुलर और इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।